हेलो एवरीवन दिस इज़ डॉक्टर सैम अच्छा जी आज की जो वीडियो है दिस इज़ स्पेशली फॉर दोज हु आर प्रिपेयरिंग एट होम जो घर में बैठ की तैयारी कर रहे हैं जिन्होंने अभी तक कोई एकेडमी ज्वाइन नहीं की या वो पिछले एकेडमी ज्वाइन कर चुके हैं और अब इस साल दोबारा से ट्राई करना चाहते हैं एंड दे डोंट इवन वॉन्ट टू जॉइन अकेडमी और मेरे ख्याल से ज़रूरी भी नहीं है अगर आप लोग को एक अच्छा स्टफ़ मिल रहा है तो आप लोग क्यों जो है इतना पैसा टाइम वक्त सेक्रीफाइस करें सो so, यहाँ से आप लोग को बहुत स्टार अकेडमी के बहुत अच्छे लक्चर्स हैं आप लोग को मिल सकते हैं बिल्कुल फ्री में आप लोग देख सकते हैं अगर आप घर बैठे तैयारी कर रहे हैं तो दिस इज़ वेरी यूजफुल तो इनशाला आज मैं आप लोग को ये लिंक प्रोवाइड करूंगा और लिंक पे जाके आप लोग किसी भी चैप्टर को बहुत ही अरेंज तरीके से आप लोग पढ़ सकते हैं ठीक हो गया आ, तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है लिंक आप लोग को स्क्रीन पर नज़र आ रहा है ये लिंक मैं फर्स्ट कमेंट में आप लोग को पिन करूँगा वहाँ से आप लोगों ने इसके ऊपर क्लिक करना है ठीक हो गया आ, अब यहाँ मैं क्लिक कर रहा हूँ तो आप लोग को कौन कौन से चैप्टर अवेलेबल है क्या क्या अवेलेबल है तो देख लेते हैं देखिए जी आ, मैं क्लिक कर रहा हूँ ठीक हो गया अब आ रहा है स्टार अकेडमी लेक्चर्स फिजिक्स 2022 के लिए ठीक हो गया सबसे पहले जो है आप लोगों के पास कुछ फर्स्ट ईयर्स के चैप्टर्स हैं जिस तरह फोर्स एंड मोशन वर्क एंड एनर्जी सर्कुलर मोशन वेव एंड ऑसिलेशन थर्मोडानेमिक्स इलेक्ट्रोस्टेटिक अब सेकेंड ईयर का है ठीक हो गया अब यहाँ से सिकेंड ईयर स्टार्ट हो रहा है चैप्टर सिक्स से इलेक्ट्रोस्टेटिक्स करंट इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इलेक्ट्रॉनिक्स एटॉमिक स्पेक्ट्रा मॉडर्न फिजिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स एंड न्यूक्लियर फिजिक्स ठीक हो गया अब जब आप लोग इसके ऊपर यहाँ इस इंटरफेज में आने के बाद आप लोग जो हैं चैप्टर फर्स्ट पर आप लोग फोर्स एंड मोशन के ऊपर क्लिक करें तो आप लोगों को ये लेक्चर्स आ जाएंगे अब इस चैप्टर के अंदर जितनी भी लेक्चर है लेक्चर वन लेक्चर टू लेक्चर थ्री फोर फाइव सिक्स इस तरह आप लोग को नजर आएंगे ठीक है अब इसके ऊपर मैं क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ से आप लोग को ये लेक्चर जो है ये ओपन हो जाएगा ठीक है तो इसी तरह आप लोग ये सारे लेक्चर देख सकते हैं मैं बेक कर रहा हूँ आप जो है इसको अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो शेयर करें ताकि जो फिज़िक्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग इसके साथ साथ वो भी ताकि वो भी आप लोग के साथ एंजॉय कर सकें ठीक हो गया अब फोर्स एंड मोशन के बाद वर्क एंड एनर्जी के अंदर जितनी भी लेक्चर्स हैं तो इससे आप लोग का एक फास्ट और क्विक रिव्यू हो जाएगा ठीक हो गया अब रिव्यू तो नहीं है सिर्फ जस्ट आप लोगों ने क्या करना है आप लोगों ने देखिए जी अगर एक फोर्स एंड मोशन आप लोग का जो चैप्टर है तो सबसे पहले आप लोगों ने इसके रेंडम एम जो है वो सॉल्व करने हैं अगर मैंने मैं ये चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ फोर्स एंड मोशन तो मैं इसकी एम जो है चैप्टर देखने से पहले मैं स्टार्ट कर देता हूँ ताकि मैं कितना मैं पानी में हो ना तो मैं ख़ुद को असेस्ट करूँगा एसेस्ट कैसे करूँगा इस चैप्टर के रेंडम एम सॉल्व क्यूज़ करूँगा जिस तरह फॉर एग्जांपल फर्स्ट एम सी क्यू मैंने सॉल्व किया फिर टेन फिर फिफ्टीन मुझे पता नहीं है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ ट्वेंटी तो इस चैप्टर के आप लोग इस तरह रेंडम एम सी सॉल्व करें तो आप लोग को पता चल जाएगा यार कि मुझे तो कुछ भी नहीं आता मतलब इंसान भूल जाता है ना तो आ, एक आप लोग के दिमाग पे बहुत स्ट्रेस पड़ेगा अब दूसरे लोग क्या कर लेते हैं आ, उससे वो सबसे पहले ये चैप्टर देख लेते हैं आ, ठीक हो गया पूरा चैप्टर कोर कर देते हैं फार्मूले रट लेते हैं उसके बाद बैठ के ना एक एक एम सी क्यू जो है वन टू थ्री तो ये बहुत ईजी हो जाता है आप लोगों को स्ट्रेस नहीं मिलता आप लोग का आप लोग का जो माइंड है ना माइंड वो प्रोसेस नहीं करता वो तो उसी वक्त जल्दी जल्दी से आ, सब चीज़ें पकड़ लेते हैं तो इसी तरह मैं आप लोग को ये एडवाइस करना चाहूँगा सबसे पहले आप एम सी क्यूज ट्राई करें आप लोग को नहीं आएंगे बेशक जाहिर बात है कोई भी इतना टैलेंटेड नहीं होता कि उसको सारा चीज़ स्टफ याद होता है उसके बाद आप लोग जो है देखें चैप्टर देखें चैप्टर देखने के बाद आप लोग ट्राई करें और वो भी रेंडम ट्राई करें तो आप लोग को पता चल जाएगा यार मैंने लेक्चर से कितना सीखा इसी तरह फिर इस चैप्टर के ऊपर सपोज करें ये चैप्टर आज आपने किया फिर इस चैप्टर के ऊपर एक दो हफ्ते गुजर के एक दो हफ़्ते बाद फिर आप डायरेक्टली रेंडमली एम ट्राई करना स्टार्ट कर दें तो अब दो हफ़्ते बाद क्या आप लोग को सारे फार्मूलाज याद है कि आप लोग उसी तरह सॉल्व कर सकते हैं तो इसी तरह आप लोग का माइंड जो है चैलेंजिंग फेज से गुजरेगा तो ये आप लोग के लिए बहुत वो रहेगा क्वाइट हेल्पफुल रहेगा ये मेथड ठीक है आ, तो ये मेरा वो है दूसरी बात यह कि जो बच्चे लेक्चर देख लेते हैं ना ऑनलाइन तो वो अटेंटिव नहीं बैठते आप लोग अगर ऑनलाइन लेक्चर देख रहे हैं तो आप लोगों के हाथ में पेन कॉपी ठीक हो गया ये होनी चाहिए उसी तरह आप लोग अपने साथ नोट करें आपने उस चीज़ों को बार बार देखे गौर से देखे जिस तरह आप क्लास में देखते हैं लेकिन मसला ये है कि हमें जो चीज़ मुफ्त में मिल रहा है फ्री में मिल रहा है ना तो हम अटेंटिव ले बैठते हैं ना हम उसको सीरियस लेते हैं अगर इसके ऊपर जो है अब टैक्स लग गया एक बंदे से कहो कि यार हज़ार रुपये का मैं आप लोगों को ये लेक्चर्स भेजूँगा तो वो बहुत खुशी से इसको अर्न वो करेगा लेगा बहुत खुशी से हज़ार रुपये दो हज़ार रुपये आप लोग को पे करेगा इस एक लिंक का इस चैप्टर का उसके बाद जो है वो बहुत अटेंटिव भी रही यार मैंने इतने सारे पैसे दिए हैं सेम इज़ द केस कि केसेंड फ्री चीज जो है हमें मतलब अच्छी नहीं लगती तो आप इसको बिल्कुल फ्री ना समझे समझें कि आप लोग को एक चीज़ मिल रही है बहुत अच्छा मिल रहा है स्टफ मिल रहा है आप लोग उसको लाइट ना लें ठीक है और उसको बिल्कुल क्लास की तरह ही डील करें इट विल हेल्प यू अलाट और लास्ट लेक्चर्स में मैंने आप लोग के साथ मैंने वो प्रोवाइड की थी पी आप लोग वीडियो में जाके आप लोग देखें मैंने कुछ पी एम सी के पाँच टी एम सी क्यूज़ जो है मैंने शेयर की थी तो वो आप लोग देखे इसके अलावा जी मैं आप लोग के साथ और भी बहुत सारी ऐसे इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मुझे मिल रही हैं जो मुझे आ रही है तो आप लोग के साथ मैं शेयर करूँगा अपने दोस्तों के साथ लिंक ज़रूर शेयर करें जो घर में बैठे तैयारी कर रहे हैं सो देट दे कैन ठेक इट और बायो के लिए मेरा चैनल भी विज़िट कर सकते हैं और भी मैंने बायो के लिए जो टिप्स आप लोग को दी थी तो उसको अवेल करें ठीक है थैंक यू जी अल्लाह हाफिज़